हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? हाय सर्वर, चलो आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हाय सतपाल, गुड टू सी यू हियर आल्सो। हाय सुमित, हाय आयुष, प्रीति, एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। हाय रोहिणी, हाय सुमित शुक्ला, हाय जी श्रवंती, सुजीता, मनी, एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम ये हमारा इस सीरीज में आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। हाय संजय कुमार, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हाय जीत, हाय प्रिंस, तो अगर आप लोगों ने बाय चांस प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डोंट मिस इट। आई हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू डोंट अफोर्ड टू मिस दोज, ठीक है। सो हाय कंचन, एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड फॉलो मी ऑन द अन अकेडमी, ठीक है। यस सुमित, टेकिंग द क्लास एट दिस टाइम, यस, क्या प्रॉब्लम है? 9 बजे भी क्लास था, अन अकेडमी वाला जो यूट्यूब है, दूसरा करंट अफेयर्स, उस पर भी क्लास रहता है एंड आई डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक, सो यू गाइस शुड नॉट मिस दैट, ठीक है। डेली हम एक टॉपिक का पूरा सर्जिकल ऑपरेशन करके उसका इन एंड आउट हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझते हैं। सो गाइस आई सजेस्ट, ठीक है, दोज आर फ्री क्लासेस, यू डोंट अफोर्ड टू मिस दैम, ठीक है। डेली 9 बजे रहता है, इट इज़ 9 PM, ठीक है, ऑन अन अकेडमी करंट अफेयर्स चैनल। यस रिशु, पोस्टमार्टम कर देते हैं हम पूरे टॉपिक का। हाय पद्मिनी, इट्स टू नाइट, रियली यूपीएससी वालों के लिए तो ये सुबह होती है ना? हाँ, लेकिन अगर आप एकदम मॉर्निंग पर्सन हो तो आपको, आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, ठीक है, बट आर्टिकुलेट चैनल पे इससे पहले कोई सेशन नहीं है मेरा। 9 बजे भी सेशन रहता है ना। आई जस्ट फिनिश द सेशन, उस पे पूछो, मेरे आधे स्टूडेंट्स वहां के हैं। देखो अभी 5 मिनट हुआ है, उधर से मैं इधर आई हूँ। हाँ, एंड दिस इज अ टाइम, यू नो, जब सब लोग, आप लोग ऑफिस से भी आके फ्री हो जाते हो, है ना? सो दैट्स हाउ। चलिए, सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। यस, मैंने सिर्फ पानी पिया है एंड देन आई हैव कम बैक अगेन, एक एक बाइट, यू नो, उसका बॉर्नविल का लेके आई एम बैक अगेन। ओके, चलो, तुम लोगों से ज्यादा तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, दिस इज माई थर्ड क्लास इन द डे, ठीक है। हाय अजीत, गुड टू सी यू ऑल्सो। चलिए, ये मेरे आधे स्टूडेंट्स हैं जो 2 बजे वाले बैच के हैं, है ना? चलो चलिए शुरू करते हैं फिर। यस, अच्छा मैं टेलीग्राम लिंक डाल देती हूँ, ठीक है। T. जस्ट अ सेकेंड। यस, मैंने आधा डिनर किया है, कभी कभी डिनर का भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ प्रदीप, प्रदीप दैन, हाँ आज प्रीति, इट इज 1 आवर क्योंकि कल वाला मिस हो गया ना, इस वजह से, ठीक है। साक्षी, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, पेपर आप लोगों को ही देना पड़ेगा, मैं वो लिख के नहीं दे सकती तो, बट आई विल प्रिपेयर यू इन सच अ मैनर कि आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए, ठीक है। सो दैट इज माई टारगेट फॉर यू। आई एम डूइंग द हार्ड वर्क, आपको बस ये करना है। ओके प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी, डोंट वरी, यू नो माई, दिस इज अ एमसीक्यू सेशन एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिस्कस इन इंग्लिश, सो आई होप, एंड वैसे भी बाईलिंगुअल रहता है, सो आई एम श्योर यू गाइज विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। ओके साक्षी, इट्स गुड दैट यू आर स्टार्टेड सो अर्ली। हाँ, सो लेट मी गिव द टेलीग्राम लिंक, या
सो दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड यू माइट ज्वाइन इट, ठीक है? हाय दिगंबर, चलिए शुरू करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट. ऑल सेट? ओनली यूपीएससी वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू, नॉट स्टडी एनीथिंग. हाँ, बट वो एमसीक्यू करते करते हम बहुत कुछ सीख लेंगे, बट इट्स नॉट अ क्लास सेशन, ठीक है? फॉर क्लासेस यू शुड कम एट 9 PM एट जो अनअकैडमी करंट अफेयर्स है, एंड इफ यू आर अ प्लस मेंबर देन 2 बजे से 4 बजे मेरा प्लस क्लासेस रहता है, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट. हाय एवरीवन हु आर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग. यस, दिस इज गुड फॉर स्टेट पीसीएस आल्सो. सी, नॉलेज नेवर गोज इन वेस्टेज, ठीक है? चलिए आई एम स्टार्टिंग क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम. ओके, सो यस, नॉलेज इज डिवाइन. सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स, सो यू कैन यूज माई कोड PRIYA10 इफ यू लाइक माई सेशन, ठीक है? एंड आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली देन, सो दैट विल हेल्प यू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो यू कैन ज्वाइन प्लस ऑल्सो, ठीक है? यस, चलिए शुरू करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन, ये अगर कल जिन लोगों ने मेरा सेशन देखा था UN-60D पे, कल मैंने बहुत ही डिटेल सेशन लिया था उस पे यूट्यूब पे, ठीक है? दैट इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कीजिए यूपी अनअकैडमी करंट अफेयर्स पे, ठीक है? तो जिन्होंने किया है उनके लिए तो इजी रहेगा, लेट्स सी फॉर अदर्स, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UN-60D. इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. इट इज द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21, ठीक है? सो यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर. योर टाइम स्टार्ट नाउ. यूट्यूब वालों आप लोग भी आंसर करो. ओके, गुड. टोटली रिकॉल ऑफ यस्टरडे. हाँ चलो गुड, तो जिन लोगों ने अटेंड किया था तो उनको तो एडवांटेज रहेगा, है ना? यस, चलो वेरी गुड. सो रोहिणी सिंह, डी बी ओनली यूपीएससी डी एंड डी, चलिए देख लेते हैं, ठीक है? इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. दिस इज करेक्ट. यस, कंफ्यूज विद एजेंडा 21. ओके चलो विल डिस्कस. सो यस, दिस इज करेक्ट. दिस इज द सोल लीगली बाइंडिंग है, ठीक है? ये आपका 1994 में आया था, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर, ये UN-60D आपका 1994 में आया था, एंड दिस इज द सोल लीगली बाइंडिंग मींस एग्रीमेंट जो कि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ जोड़ता है. थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स बता देती हूँ मैं, ठीक है? जो इंडिया में टोटल ड्राई लैंड्स हैं दैट इज 69%. इंडिया में ऑलमोस्ट 29.4% या रफली 30%, याद रख लीजिए, दिस इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है? यस, दिस इज गोइंग डेजर्टिफिकेशन. इसके अलावा अगर कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. दिस इज अ टर्म, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, कि हम और फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होने देंगे. दैट इज टू बी अचीव बाय 2030, ठीक है? जो जो आपके SDG के गोल रहते हैं उसके साथ है, और इसको अगर आप SDG के साथ लिंकेज करेंगे तो दिस कैन बी लिंक्ड विद SDG 15, ठीक है? सो दैट इज लाइफ ऑन लैंड. आपको पता है कि 17 गोल्स हैं, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स को तो मैंने ये रटा दिया होगा, 17 गोल्स, ठीक है? मैंने उनको SDG पूरे रटवा दिए. यस पूर्णिमा, सो 17 गोल्स, ठीक है? 169 टारगेट्स, ठीक है? एंड 232 इंडिकेटर्स, भूलेंगे नहीं, ठीक है? 232 इंडिकेटर्स ऐसे याद रखेंगे क्योंकि दीज आर टू बी अचीव बाई 2030. 232, ठीक है? 232, सो 232 इंडिकेटर्स, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है?
नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एजेंडा 21 में 21 रेफर्स फॉर द 21st सेंचुरी. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज द ओनली कन्वेंशन जो इसमें से डायरेक्टली निकल के आया था. ठीक है, सो दैट्स वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यू हैव टू चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स. आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2. ठीक है, सो Who funds UNCCD? There are so many mechanisms for funding. You must have heard about GEF, ठीक है, then clean development mechanism. So there are so many things which are developed in this phase. Then UNFCCC के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा. So it is a collaborative mechanism. बहुत सारे factors इसमें आ जाते हैं. ठीक है, चलिए. विशाल, thank you so much. Why do you think I am great? It follows bottom to top. Yes. चलिए, क्वेश्चन नंबर टू. रिसेंटली 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द सीएमएस. ठीक है, सीएमएस का नाम सुना होगा. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सीएमएस, फटाफट बताओ. वॉज हेल्ड इन गांधीनगर इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट. इंडिया हैज ऑफिशियली टेकन ओवर इट्स प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टिल 2023. सारे स्क्रीन वॉज द मैस्कॉट फॉर द इवेंट. 10 न्यू स्पीशीज वर एडेड टू द सीएमएस अपेंडिसेस एट. Yes, you all are right. It is also known as Bonn Convention. So, Bonn Convention. Okay. So, 10 more species were added. You have to choose the appropriate option. Guys, I don't think there is any internet issue from my side. Can others confirm ki buffer ho raha hai ki nahi? No, ma'am. So, Akhil, maybe you can check your internet connection. I have 5G internet, you know. So, I don't think there would be any issue from my side. Okay. So, I'm starting the poll. Please answer in the polls. Your time start. Just a second. Sorry. I'm ending this poll. Okay. Give me a second. I have to start it again. Okay. So I'm starting the poll. Please start it. Please, you know, answer in the polls. Only ko eliminate nahi kiye, ma'am. Every only is not wrong, Vishal. ठीक है, every only is not wrong. Please remember. इसीलिए मैंने ऐसे statements बनाती हूँ. My statements are very close, or you can say my questions are almost based on you know UPSC pattern. ठीक है. यस श्रीकांत यादव, you got it right. इसका जो mascot था that was GB, not सारे स्क्रीन. ठीक है, सो इसका जो मैस्कॉट था दैट वाज जीबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, सो दैट वाज द मैस्कॉट ऑफ द इवेंट. ठीक है, एंड सारे स्क्रीन कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है, फटाफट बता दो. विथ स्टेट सारे स्क्रीन. यस यू आर राइट, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. यस, नहीं सारे स्क्रीन पूछा है मैंने, जीबी थोड़ी पूछा है. जीबी आपका राजस्थान का है. ठीक है, यस सारे स्क्रीन इज यूपी. ठीक है, एंड दिस इज द फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ विच नेशनल पार्क और वेटलैंड फॉर दैट मैटर. नॉट भरतपुर, नो नो नो, डेजर्ट नेशनल पार्क सुना है. ठीक है, सो चलिए, सो यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंडिया अभी ऑफिशियली, यस यू आर करेक्ट. मदन एंड स्टडी स्मार्ट, यू गाइज आर करेक्ट. विशाल नॉट टू. ठीक है, सारे स्क्रीन में फंसना नहीं. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. सो योर आंसर इज डी, 1 एंड 3 ओनली. ठीक है, सो थोड़ा सा देख लेते हैं. मैंने ये स्लाइड्स डाल दी. मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगी बिकॉज इट इज अ 1 आवर सेशन. आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. ठीक है, सो रिसेंटली ये हुआ था गांधीनगर में बॉर्न कन्वेंशन का. ठीक है, इंडिया ने ये 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी ले लिया है. थीम इज माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम. ठीक है, इसमें 3 तरीके के जानवर दिखाए गए हैं. ठीक है, 1 इज योर टर्टल. ठीक है, मरीन टर्टल. ठीक है, फिर अमूर फाल्कन है एंड देन योर हम बैक वेल है. ठीक है, तीनों को दिखाया गया है. ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कोलम. कोलम इज रंगोली. ठीक है, फ्रॉम सदर्न इंडिया. ठीक है, कोलम इज द आर्ट फॉर्म. लेमन टर्म्स में हम इसको रंगोली बोलते हैं. सदर्न इंडिया, तो ये रंगोली के फॉर्म में इन्होंने डिपिक्ट किया है, दैट इज कोलम.
ठीक है, कोलम के फॉर्म में डिपिक्ट किया है, ठीक है। सो मैस्कॉट इज जीबी, आई टोल्ड यू दिस वाज द फर्स्ट ईएमएस कॉप टू बी इनॉग्रेटेड बाय अ होस्ट कंट्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी जी ने इसको जो है वो किया था। ओके, कोई बात नहीं, अब आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ताज ट्रेपेजियम जोन, ठीक है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट्स ओनली, नेमली राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ऑल स्टेट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड इन द TDZ, यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यस प्लीज आंसर इन द पोल्स। हाय परशुराम, आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, पोल नहीं दिख रहा क्या? यस, व्हाट हैपेंड, क्यों? सेकंड वन इज कंफ्यूजिंग, डोंट वरी, इसीलिए तो बनाया है ये क्वेश्चन, पोल राइट है, डोंट वरी, ठीक है। यस, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट्स ओनली, नेमली राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, टोटली करेक्ट, ठीक है। पोल का पोल खुल गया मैम, क्या पोल खुल गया? हाँ, तो राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ही है माय डियर, गो एंड चेक योर यू नो मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो ताज ट्रेपीजियम जोन की बात हो रही है, ताजमहल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ताज ट्रेपीजियम जोन इज अ बिगर एरिया देन ताजमहल, ठीक है। सो इट्स लाइक अ यू नो बिगर एरिया, ठीक है, ट्रेपीजियम जोन बनाया हुआ है तो उसमें, यस, सो दैट इज हाउ इट इज देयर। ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फेलिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड इन TDS, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वहां पे कुछ टाइप की एक्टिविटीज को ओपन कर दिया है, दैट इज वाई दिस इज करेंट अफेयर्स, ठीक है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बोला है तो आंसर इज ओनली वन, ठीक है। सो दिस इज वॉट आई हैव ट्राइड टू शो यू, ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द बैन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरे भूलो मत, द गवर्नमेंट इज यू नो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है ना, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, ठीक है। तो कैपिटलिज्म अगर आएगा तो यू हैव टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज, तो आप ऐसे वाले चीजों को तो लिफ्ट करोगे ना जो बैन लगे हुए हैं, है ना, प्रमोट यू नो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब समझ में आया, दैट्स वाई डेली आया करो, ऐसे बहुत सारे आपके कंफ्यूजन जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। लिफ्टेड द बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द ताज ट्रेपीजियम जोन, ठीक है। तो SC इज नॉट गवर्नमेंट, चलो आई विल नॉट लाइक टू कमेंट दैट, बट आपको पता है कि SC जो बोल देती है, इट हैज द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इन द कंट्री, ठीक है, यू नो दैट राइट, अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इट लीड्स टू कंटेम्प्ट, ठीक है। सो इट हैज द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, SC जो बोलता है, ठीक है। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, चलो मैं इसमें, दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट टू यू नो कमेंट ऑन दैट, बट ऐसा समझो कि उसका इन्फ्लुएंस तो दिखता है ना जजमेंट्स में, ये आपको नहीं दिख रहा है, देर आर सीरीज ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, चाहे आपका ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे आपका अयोध्या वर्डिक्ट हो, देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स। तभी मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रेन करती हूँ कि जो आपको दिखाया गया है ना उसके पीछे देखने की आदत डालो, ठीक है। ये जो दिख रहा है सामने, ये जो शीशा बना हुआ है, ठीक है, उसके पीछे देखने के वो एनालिसिस करना सीखो। चलो, मेरे स्टूडेंट्स धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ताज ट्रेपीजियम जोन इज अ डिफाइंड एरिया ऑफ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, ठीक है। इको सेंसिटिव एरिया हैविंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एंड ईटा इन यूपी एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, एंड 5 डिस्ट्रिक्ट आर इन यूपी। आई एम टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट फिलहाल,
ठीक है, आई एम डूइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स संदेश, इफ यू आर अ प्लस मेंबर, देन दोज हु आर प्लस मेंबर्स एंड अपियरिंग फॉर 2020 और 2021, यू डोंट, यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस माई क्लासेस. 2 से 4 बजे तक होती है डेली, ठीक है. आई होप टू सी यू ऑल देयर. ठीक है, चलिए फिलहाल इकोनॉमिक्स चल रहा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th इज, ओके, दिस इज करंट अफेयर्स मीडियम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल शक्ति अभियान. इट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओनली. देर इज नो एडिशनल फंडिंग और स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर द कैंपेन, सो यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाय आदिल, अजीत, यू आर वेलकम टू वॉच माई वीडियोज. ठीक है, होप टू सी यू एवरी डे. 9 बजे मेरा सेशन अन अकेडमी करेंट अफेयर्स वाले यूट्यूब चैनल पे भी रहता है, सो यू गाइज आर वेलकम टू ज्वाइन देयर ऑल्सो. ठीक है, एवरी डे एक टॉपिक का पोस्टमार्टम होता है वहां पे. विशाल, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करती हूँ डेली. लक्ष्मी, ओके, वेलकम टू माई सेशन. आई होप यू वुड लाइक इट एंड यू विल कीप कमिंग एवरी डे. ओके, चलो ग्रेट. आज थोड़ा क्वेश्चंस में फंस रहे हैं ऐसा लग रहा है. हाँ ओके, चलिए. सो यहाँ पे लिखा है, इट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओनली. यहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म फॉर ऑल, यू नो, सो मेनी, यू नो, क्या बोलते हैं, आपके मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है. देर इज नो एडिशनल फंडिंग और स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर द कैंपेन टू अचीव. दिस इज करेक्ट. कोई स्पेशल फंडिंग नहीं दी है, बस आपको जो पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है उसको बेटर यूटिलाइजेशन करना है. स्कीम्स को एमालगमेट किया है. ठीक है, गौतम कुमार, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. सो अच्छा, पोल रॉन्ग था क्या क्वेश्चन? या ओके, सो गौतम, देन ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप जो है पीछे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं देख सकते. यस विशाल, आप लोगों ने बोला था क्वेश्चन इजी नहीं बनाना है इसलिए. ओके, चलो कोई बात नहीं. चलो कल थोड़ा सा मीडियम लेवल लेके आएंगे, इजी प्लस टफ दोनों का मिक्सचर रखेंगे. ठीक है, चलिए. ओके, सो इसमें आपका ये वाला गलत हो जाएगा, सो दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज विच विल बी कवर्ड अंडर दिस. वाटरशेड डेवलपमेंट करेंगे, टारगेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन्स है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, एजुकेशन, यस स्वप्निल, मी टू फर्स्ट क्लास. ओके, आई आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिनका फर्स्ट क्लास है, एंड आई होप यू गाइज विल कीप कमिंग, है ना. सो आईसी एक्टिविटीज भी बोलते हैं इनको. ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज टैंक्स. ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है. वाई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग? बिकॉज इट इज नॉट ओनली द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. यस, सो ओके, सो इट इज लाइक सो मेनी मिनिस्ट्रीज आर देयर एंड आई जे. यस, आई आई थिंक आप लोगों ने ये फील किया होगा, माई क्वेश्चन आर वेरी क्लोज टू द पैटर्न ऑफ यूपीएससी. ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में ध्यान देती हूँ. ठीक है, आई टेक टाइम टू मेक क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल नॉट फाइंड कि ऐसे ही कहीं से ले मैंने, एंड नन ऑफ माय क्वेश्चन आई कैन प्रॉमिस यू मैं कहीं से नहीं उठाती हूँ, आई मेक इट माय सेल्फ. ठीक है, हाय अनीश, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th. राहुल, थैंक यू सो मच. ओके, शैलेंद्र, मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती हूँ ताकि यूपीएससी आपको मलाई जैसा लगे और आप हलवे की तरह निकाल दो, है ना. चलिए चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं. ठीक है, इट इज अ 1 आवर सेशन, अभी 5th पे ही पहुंचे, 20 क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सा गाइस, आई टेक अप द क्वेरीज इन द एंड. ठीक है, आई विल गो वेरी फास्ट नाउ. ठीक है, रिसेंटली सेंटर ग्रांटेड इन प्रिंसिपल क्लियरेंस फॉर यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व. ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि ऐसे सेशंस में नोबडी टेक्स अप द एक्सप्लेनेशन क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, कि 20 क्वेश्चन करें फिर 10 ही हो पाएगा, तो आई हैव इनकल्केटेड द एक्सप्लेनेशन ताकि आप पढ़ लो. ठीक है, चलिए.
आई एम स्टार्टिंग द पोल, प्लीज आंसर इन द पोल्स. यूट्यूब वालों, हाय ऋतुराज, आंसर करो आंसर फटाफट. ओके फंसे हो सब लोग, सिर्फ ओनली 30% आ रहा आंसरिंग दिस करेक्ट. गुड, आई थॉट दिस वुड बी इजी क्वेश्चन. ओके चलो लीडर बोर्ड शेयर करती हूँ, थोड़ा आप लोगों को स्टेटस पता चलेगा. ओके सुजीत प्रकाश इज नंबर वन, वेरी गुड. सुजीत इज माई स्टूडेंट. हाँ समृद्धि, शिंजो, श्रीकांत, सुभाष, गौतम, शिवानी, चलो जो पीछे हैं आगे आने की कोशिश करो, जो आगे हैं वो आगे ही रहने की कोशिश करो. दैट इज वॉट आई टेल यू. ठीक है सो इसका आंसर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व. थोड़ा सा फास्ट फास्ट दिखा देती हूँ. अमराबाद टाइगर रिजर्व दिस इज इन तेलंगाना. ठीक है इसको डिवाइड करके बनाया गया है नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व से. एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट. ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, क्योंकि नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट वन. ये लाइव क्लास है. यस विवेक आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ये लाइव क्लास है. यस इट इज लाइव क्लास. ठीक है ओके सो नॉट सी ऑल ऑफ यू. ठीक है शकुनी इज द ओनली राइट आंसर. ठीक है बी सॉरी ए अमराबाद टाइगर रिजर्व. ठीक है तो यहाँ पे यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के लिए जो है लाइसेंस दे दिया गया है. याद रखना नलामला हिल्स पे, रिवर्स याद रखना नलावागु एंड डिंडी रिवर्स, एंड ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की. ठीक है yes but this is in principle approval, I just talked about that only. yeah chaliye so next is mcq 7. national level estimation processes are done for which of the following. theek hai tiger, rhino, elephant and snow leopard. you have to choose the appropriate answer. your in principle is like aapko abhi means legal mein de diya hai. theek hai there are various stages. theek hai in principle hota hai and then finally uske other means एस्पेक्ट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को पता होगा एक होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. ठीक है खैर दिस इज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ठीक है दिस इज रिलेटेड टू दिस. ठीक है येस सो एवरीथिंग इज दैट. थैंक यू अभिषेक इफ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. डू यू टेक दिस क्लास एवरी डे? येस प्रियंका 9 बजे भी क्लास रहता है अन अकेडमी यूपीएससी करेंट अफेयर्स पे. ठीक है डोंट मिस दैट, कल से आ जाना वहां पे भी. ठीक है सो यस इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. टाइगर राइनो एलिफेंट तो पहले से ही हो रहा था. दिस इज द फर्स्ट टाइम स्नो लेपर्ड हैज यू नो स्टार्टेड. व्हाई सुजन व्हाई यू आर लेट ऑलरेडी, वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है आज वैसे 20 क्वेश्चन का है. ठीक है येस श्रीकांत यू आर राइट. सो दैट इज हाउ, ये याद रखिएगा अभी स्नो लेपर्ड वाला फर्स्ट टाइम हुआ है. ठीक है सो प्लीज रिमेंबर. एंड देर आर 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज. ठीक है सो थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में. आई कैन नॉट इंक्लूड ऑल एक्सप्लेनेशन. ठीक है इट विल टेक वेरी मच टाइम आई मीन. ठीक है चलिए बस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉर्न कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. अभी देख रहे थे ना CMS वगैरह. ठीक है सो इसमें देख ले रहे हैं. येस इट एम्स टू प्रोटेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज ओनली. आप लोगों ने सबने उसको मिस कर दिया ना स्नो लेपर्ड को. चलिए इट इज द ओनली वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन दैट वॉज फाउंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेट एनिमल्स. इट इज लीगली बाइंडिंग. ठीक है योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज आंसर इन द पोल्स. ओके वेरी गुड गुड सर्वर. माय नेम इज प्रिया श्रीपाल. आपको दिख रहा होगा इसमें राम से. और डिस्क्रिप्शन में देखो मेरा यूट्यूब वालों, डिस्क्रिप्शन में देयर इज लिंक फॉर माय यू नो यू कैन फॉलो मी अन अकेडमी में. ठीक है ओके ये तो इजी था, चलो गुड कुछ तो इजी लगा. हाँ ठीक है चलो. इट एम्स टू प्रोटेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज ओनली. ये गलत है. ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम है. इट इज येस एक्वेटिक भी है. वेरी गुड
ठीक है, एंड दैट्स वाई जो इस बार का जो थीम था मैं आपको दिखाई उसमें तीनों तरीके के उसको लिया गया है. ठीक है, इट इज ओनली वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन दैट वाज फाउंड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट एनिमल्स, करेक्ट है, लीगली बाइंडिंग, करेक्ट है. सो यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन, सो सी टू एंड थ्री ओनली. यस राम से यू आर राइट. ठीक है, सो ये पढ़ लेना. ठीक है, आई हैव गिवन यू टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एवियन. ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन 1979 यूएनएपी के एजिस के अंडर है. ठीक है, इसको अलग मत कर दीजिएगा, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है. ठीक है, भूलेंगे नहीं. ओनली वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है दैट वाज फाउंड एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेट एनिमल्स. इसके दो अपेंडाइसिस होते हैं, आपको पता होगा, एक अपेंडिक्स वन होता है, एक अपेंडिक्स टू होता है. तो अपेंडिक्स वन वालों को तो जो है यू आर सेइंग दैट कि इनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इनका ट्रेड वगैरह करना. ठीक है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडेंजरमेंट. ठीक है, हाई यस हेलो, इंडिया प्रपोज सम एनिमल्स फ्रॉम 2 to 1. यस यू आर राइट श्रीकांत, एंड दोज हैव बीन एक्सेप्टेड. यस यू आर राइट. अपेंडिक्स टू में ऐसे होते हैं जिनको अभी प्रेजेंटली तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनली उसमें कोलैबोरेशन होगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा उसके स्मगलिंग को, तो दैट विल गिव मच एडवांटेज टू द सर्वाइवल ऑफ दिस एनिमल. ठीक है, दोज आर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स टू. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, करंट अफेयर्स इजी. आई थिंक प्रोजेक्ट गोदावन हैज बीन स्टार्टेड एट डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, दिस क्लास स्टार्टेड एट 10 PM प्रियंका. ठीक है, 9 बजे अन अकेडमी जो करंट अफेयर्स वाला चैनल है उस पे क्लास रहता है. ठीक है, दैट इज अ थियरी क्लास. और ये 10 बजे वाला जो है एमसीक्यू सेशन रहता है. ठीक है, वो आर्टिकुलेट चैनल पे है प्रियंका. ठीक है, ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव, यस एग्जैक्टली, आप लोगों को हिंट हिंट मिल गया होगा, मैंने जस्ट थोड़ा पीछे ही आपको बता दिया था. यस ऋतुराज, रक्षित, शकुनी, एवरीवन, यू आर करेक्ट. यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना, प्रोजेक्ट गोदावन. ठीक है, सो भूलेंगे नहीं इसको. ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क अभी मैंने बताया. यस ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी ना एक्चुअली दिस हैज बीन टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि ये जीबी जो है सिर्फ 132 लास्ट इंडिविजुअल्स आर रिमेनिंग. ठीक है, आप सोच रहे कितना दयनीय कंडीशन है उनका, दैट ओनली जस्ट जसप्रीत सिंह, आई थिंक इट वुड बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड बिकॉज माई इंटरनेट इज वेरी हाई स्पीड इंटरनेट एंड आई डोंट थिंक देर इज प्रॉब्लम फ्रॉम माई एंड. अदर्स कैन कन्फर्म? यस, इज इट बफरिंग? नो, सो आई थिंक जसप्रीत मे बी यू कैन जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश इट और समथिंग लाइक दैट, है ना? ओके ग्रेट, सो एवरी वन इज आंसरिंग दैट, सो नाइस. ठीक है, सो 132 लास्ट इंडिविजुअल बचे हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, एंड यू नो इट्स लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सो दे आर लाइक, हमने तो उनको पूरा खत्म ही कर दिया है. सो दैट्स वाई. अच्छा, अगर आपको बोले कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन कौन सी कंट्रीज में मिलता है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज एंडेमिक टू इंडिया. आजकल यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है, लास्ट ईयर 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में इट हैज टॉक्ड अबाउट एशियाटिक लायन एंड डबल हम्प कैमल, एवरीथिंग यूपीएससी हैज आस्क्ड. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज एंडेमिक टू इंडिया. यस सुजीत प्रकाश, यू आर राइट, एंड इट इज फाउंड इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान. ठीक है, तो क्योंकि ये जो जैसलमेर वाला पार्ट है, आप सोच रहे हैं ना, ये कॉन्टिन्यूस है पाकिस्तान के साथ, राइट? सो दैट्स वाई ये इन दोनों एरियाज में मिलता है. एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इसके अलावा इतने सारे 6-7 स्टेट में, मतलब हरियाणा से लेकर नीचे आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक ये जीपी मिलता था, एंड नाउ डेज इट इज ओनली लिमिटेड टू योर राजस्थान एरिया. ठीक है, तो हर स्टेट से इट हैज ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस यू आर राइट. चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑलिव रिडली टर्टल्स. यस यू कैन यू नो आस्क योर डाउट्स, आई वुड ट्राई टू आंसर माई बेस्ट. ठीक है, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब आंसर करूंगी, बट यस यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, चलिए
ठीक है चलिए. गहीर माता ओडिशा इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑलिव रिडली रुकरी. द ऑलिव रिडली टर्टल्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड इनहैबिटिंग कोल्ड वाटर्स ऑफ द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस. यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर कीजिए. डोंट आंसर इन द कमेंट सेक्शन अंशुमन, प्लीज आंसर इन द पोल्स ओनली. आप लोग भी जो YouTube पे ये क्विज कर रहे हैं ना, अपने क्वेश्चंस का टैली रखिएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चंस जो है आप सही आंसर कर रहे हैं, ताकि लास्ट में रैंकिंग डेवलप करने में हेल्प मिले. ठीक है ठीक है, तो YouTube वाले भी अपना जो है उसको वो करके रखिए. चलिए सो देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. गहीर माता, जो गहीर माता मरीन सेंचुरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा. नो, ये इट्स नॉट माय चैनल, यूपीएस ये अनअकैडमी का ही चैनल है अंशुमन. ठीक है, नॉट माय चैनल. गहीर माथा मरीन सेंचुरी का नाम सुना होगा आपने. ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ विच यू नो वेटलैंड. गहीर माथा, आप लोगों ने मेरे रामसर वाली क्लासेस देखी है. So those who have not watched Ramsar sites wali classes, you should definitely watch it. It is one stop solution for all your Ramsar sites questions. और हर साल जो है एक से दो क्वेश्चन आता है. So I have taken it extensively. ठीक है, so don't miss my classes. आज चेक कीजिए कि मैंने क्या क्या क्लासेस ली है, एंड मोस्ट ऑफ देम वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. यस, भीतर कनिका, यू आर राइट. तो भीतर कनिका के दो फ्लैगशिप स्पीशीज है, याद रखिएगा. सो वन इज योर ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स, एंड सेकेंड इज योर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. ठीक है, भूलेंगे नहीं. ठीक है, इसी का जो पड़ोसी है, ठीक है, छिलिका लेक. ठीक है, छिलिका लेक का याद रखिएगा कि इट इज इरावदी डॉल्फिन. ठीक है, ओके. सो छिलिका लेक का जो फ्लैगशिप स्पीशीज है, दैट इज इरावदी डॉल्फिन. एंड इंडिया में तीन तरीके की डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन एंड इंडस वाटर, इंडस रिवर डॉल्फिन. ठीक है, तो इसमें से ये दोनों जो है, सॉरी, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड गैंजेटिक डॉल्फिन, दीज आर फ्रेश वाटर स्पीशीज एंड दिस इज द ओनली मरीन डॉल्फिन इन इंडिया. ठीक है, चलिए, ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यस दिस इज राइट. ठीक है, एंड सेकेंड वाले में प्रॉब्लम है, देखिए, एक तो स्मॉलेस्ट, तो ठीक है, मोस्ट रेयरेस्ट लिखा हुआ है. रेयरेस्ट इज रॉन्ग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है. ठीक है, कॉमनली अवेलेबल टर्टल्स फाउंड इन इंडिया. सेकेंड यहाँ पे प्रॉब्लम है, इट इज फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, कोल्ड वाटर में नहीं मिलता है. ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आपको दोनों में से कुछ भी पता होता है, इसका स्टेटस पता होता कि इट इज वल्नरेबल. ठीक है, आप इसको कहीं कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इतना कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, यस रमन, यू आर राइट. इट इज फाउंड इन द वॉर्म वॉटर्स, नॉट कोल्ड वॉटर्स, यू आर राइट. ठीक है, तो अगर आप ये पता होता कि इसका स्टेटस वल्नरेबल है, तो आपको ये पता होता कि ठीक है, इट कैन नॉट बी द रेयरेस्ट. ठीक है, हर साल 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख यू नो ऑलिव रिडली टर्टल तो गहीर माता कोस्ट पे आते हैं, तो ये कैसे एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है. सो इसका IUCN स्टेटस याद रखेंगे, इट इज वल्नरेबल. ठीक है, यस, अरिबादा कहते हैं मास नेस्टिंग को, श्रीकांत यादव ने बोला है. चलिए, गुड. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजर्टिफिकेशन इंडिया. अगेन, जिन लोगों ने मेरी कल वाली क्लास अटेंड की है, सो एन एडवांटेज फॉर यू. ठीक है, विंड एरोजन इज द मेजर कॉज फॉर डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया. इसरोस सैक अहमदाबाद एटलस मैपिंग शोड दैट ड्यूरिंग 2011 to 2013 49% ऑफ द कंट्री वॉज अंडर गोइंग लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत तो मैंने आज भी बता ही दिया है, सो थोड़ा सा भी ब्रेन यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. You have to choose the appropriate answer. Your time starts now. Hi Lakshman, आज आप लेट हो गए. So coronavirus has also joined us. Okay. YouTube पे answer कीजिए आप लोग भी. Okay. हाँ, statement मैंने confusing बनाए हुए हैं आज. एकदम यूपीएससी पैटर्न पे. सो श्रीकांत, आर यू अ प्लस मेंबर और यू
कोरोना नॉट येट. अच्छा ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द 9 PM वाला फ्री क्लास एंड दिस वन, एंड व्हेन यू ज्वाइन यू नो क्लास देन मे बी यू कैन ज्वाइन, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन रिसेंटली देन यू कैन प्रोबेबली यूज माई कोड PRIYA10. ठीक है, दैट विल हेल्प यू गेट 10% डिस्काउंट. चलो, विंड इरोशन इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम. इट इज वॉटर इरोजन, आई विल शो यू. ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए वो डाल दिया है. एंड अभी अभी मैंने बताया था कि लैंड डिग्रेडेशन 49% पे नहीं, आई टोल्ड यू 29% में है ना. यस, 30%, अभी अभी बताया था. तो ये वाला तो आप वहीं पे चेक कर लेते, तो ये गलत. हाँ, ये भी गलत. सो वी हैव आस्क्ड करेक्ट, है ना. सो डी नाइदर 192, आप लोग सी कर रहे हो यार. हाँ, विभा हैज आंसर दिस करेक्टली, सो दैट इज डी. यस, चलिए. सो दिस मैप विल हेल्प यू इन एनालिसिस. ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही मैप है, सो मैंने ये डाला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसको ध्यान से देखिएगा. वाटर इरोजन 10.9% एरिया में, लगभग 11% में. ठीक है, देन विंड इरोजन, ठीक है, 5.5%, ह्यूमन मेड सेटलमेंट, वेजिटेशन डिग्रेडेशन, सैलिनिटी एंड अदर कॉजेस. ठीक है, दिस क्लास आई हैव टेकन यस्टरडे ऑन यूट्यूब सेशन. ठीक है, बहुत डिटेल में हमने कवर किया था, बिकॉज 17 जून वॉज यू नो दिस डे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन. UNCCD डे था. ठीक है, फॉर डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट. ठीक है, हाय व्हाट्सएप. ठीक है, सो ये मैप आप अच्छे से थोड़ा एनालिसिस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे विंड इरोजन देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दिस इज द एरिया वेयर विंड इरोजन इज मोस्ट प्रोमिनेंट. थोड़ा एनालिसिस करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे. ठीक है, दिस मैप वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, चलिए. ओ आई फॉरगॉट टू शेयर द लीडर बोर्ड. कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के बाद शेयर करते हैं. ठीक है, चलिए. सो ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया. ठीक है, इंडिया हैज इम्पोज्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक टू कॉम्बैट पोल्यूशन. द ग्राम सभा हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर. योर टाइम स्टार्ट नाउ. प्लीज आंसर इन द पोल्स गाइस, फटाफट. जूम प्लीज, जूम आप डाउनलोड करके कर लीजिएगा नीलम. ठीक है, ऐसे में जूम नहीं कर सकती. ठीक है, आप जब ये PPT देखेंगे ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा. ठीक है, एंड फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी. ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां PDF शेयर करूंगी, देन यू कैन जूम इट. यहाँ पे मैं जूम नहीं कर सकती. ओके, अच्छा, प्लीज गिव सम टाइम टू रीड ऑप्शंस. ओके, तो फिर एक्सप्लेनेशन कम करना पड़ेगा. चॉइस इज योर्स. अच्छा, लीडर बोर्ड में को शेयर करना था, मैंने शेयर किया, पता नहीं हुआ क्यों नहीं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में शेयर कर देंगे. ठीक है, ओके, चलो देखते हैं. इंडिया हैज इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स. वी हैड इंटेंडेड टू डू सो, आवर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट, बट यू शुड रिमेम्बर करेंट अफेयर्स. इसलिए एकदम देखो, एकदम अपडेटेड होना चाहिए. उसके बाद वी हैव विथड्रॉन दिस, क्योंकि इट वॉज नॉट फीजिबल. ठीक है, येस, सो दिस इज रॉन्ग. आप यहाँ पे गलती करोगे कि इंडिया हैज इम्पोज, लिखा हैज इम्पोज, मीन्स इट इज डन, तो ये गलत है. ठीक है, हमने ऐसा सोचा था हम करेंगे. इवन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर फ्रॉम द यू नो रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट दैट इट विल बी डन, बट इट वॉज नॉट डन बिकॉज इट वॉज नॉट फीजिबल. आप इतने जल्दी इसका रिप्लेसमेंट कहाँ से लेके आएंगे. द ग्राम सभाज हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज करेक्ट. ठीक है, यू हैड टू चूज करेक्ट ऑप्शन, सो आंसर इज बी, ओनली टू. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज, रिसेंटली एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन टू सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन विच स्टेट. ठीक है, सो यू हैव टू आंसर दिस. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, चलो, अब तो फिर तुमको आंसर पता ही चल जाएगा, है ना. यस, हाँ, ओके, ठीक है, चलो. एनीवेज, अब तो पता ही चल गया. हाँ, ओके,
चलिए, सो भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NCPC इन दोनों ने मिलके किया था, ठीक है। सो ये आपको पता ही है, ठीक है। सो इसके बारे में देख लेना आप लोग। ये दिस इज लाइक आपको पता है कि इतना ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। उस ई वेस्ट को प्रोसेस करने की जरूरत है, एंड इसके लिए हमारे ई वेस्ट रूल्स जो आए थे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आया था, दैट वॉज इन 2016, ठीक है, ठीक है। एंड आपको पता है इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। अरे मैंने सोचा मैंने गलत टिक कर दिया है इसलिए, ठीक है, दैट्स वाई। चलो कोई बात नहीं, अगले वाले में कर देना। द क्लिनिक इज अ 3 month पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एंड दिस इज इन यू नो लाइन विथ योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर टाइगर एस्टिमेशन इन इंडिया? ओके, सो यू हैव टू आंसर इन द पोल्स। इसका इंक कैसे चेंज नहीं हुआ है पता नहीं। ओके, आई शेयर द लीडर बोर्ड आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रीति, ओके, रक्षित, सो दिस इज द टैली सो फार, ठीक है। हाय अरुण, आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ सर्वर, देन श्रीकांत, वेनु, सात्विक, सुजीत, सो ऑल 7 out of 14, वेरी गुड, ठीक है। टफ कंपटीशन है भाई। हाँ ओके, यूट्यूब वालों आप लोग अपना नोट करते रहो, एट द एंड आई लास्ट, ठीक है। चलिए, सो यस इसका आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाय ओम प्रकाश, गुड इवनिंग, यू आर लेट। हाँ 10 बजे शुरू होता है सेशन, ठीक है। सो यस, ठीक है, ऑल दीज आर करेक्ट, दीज आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है। एम स्ट्राइप्स के बारे में यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, देन कैटरेट देख लीजिएगा, फिर दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स फॉर कंपेयरिंग फॉर टाइगर्स एंड हॉटस्पॉटर फॉर, इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाता है, फिर ये SECR मेथड आ जाता है, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक दो मेथड और हैं, ठीक है, आपको वो भी पता है, इनके जो स्टूल होते हैं उसके एस्टिमेशन होता है, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर देयर, ठीक है। फिर जेनेटिक एनालिसिस भी होता है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज करंट अफेयर्स एंड मीडियम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू सदर्न ओशन। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन सदर्न ओशन रिसर्च प्रोग्राम विच वॉज इनिशिएटेड इन 2004। दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। फुल स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को? आई डोंट नो। ये ऋतुराज, दिस इज अनअकैडमी ऐप, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोगों के लिए भी ये पोल वगैरह में आंसर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, यू शुड ज्वाइन एट 9 PM, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है वहां पे, ठीक है। ये 2004 में है, ठीक है, एंड ORV सागर कन्या पे हुआ था, 11th सच एक्सपीडिशन था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, ऑपरेटेड अंडर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर, ठीक है। हाई क्रोनाल, दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, 10 बजे आ जाइए कीजिए, ठीक है, 10 PM। नहीं, रॉन्ग पोल कहाँ दिया है आपने? क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है गाइस। फंस गए नवीन कुमार, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नाइदर 1 और 2 इज द आंसर। बच्चा ध्यान रखना है सारा, मैम एकदम
यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाती है, सारी चीजों पे ध्यान रखना है, अपने आंख नाक कान मुंह सब खुल के रखे आंसर किया करो, ठीक है? चलो रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस ऋतुराज, यू आर राइट एंड नीलम कलिता। ये करेक्ट और इनकरेक्ट में तो बिल्कुल मत फंसा करो, ठीक है? ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली अ प्रोजेक्ट नेम नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम विच इज अ सेट ऑफ टू प्रपोज डैम्स इन द इंग्लिश चैनल इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके हाय गौतम, यस वेलकम, बट डोंट स्टार्ट कमेंट इन द यू नो डोंट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाय भानु प्रकाश, प्लीज आंसर इन द पोल्स ओनली, ठीक है? चलिए सो ये आपको पता ही है, ठीक है? दिस इज डच प्रोजेक्ट, नीदरलैंड्स का है, ठीक है? टू मेगा डैम्स बना रहे हैं टू सेपरेट द नॉर्दर्न सी फ्रॉम द एटलांटिक सीज, ठीक है? इसमें इसका नाम नीड है, नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम, स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे के बीच में जो वो नीड नॉर्थ है, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में नीड साउथ है, ठीक है? सो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है? सो दिस इज योर, अपना पढ़ लेना अच्छे से। हाय स्पाइडी। चलिए रिसेंटली द टर्म बायो रॉक टेक्नोलॉजी हैज बिन यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्लीज आंसर इन द पोल्स। ओके हाउ मेनी क्वेश्चन लेफ्ट? 20 क्वेश्चन हैं टोटल अरुण, सॉरी कृणाल, ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, सो 4 क्वेश्चन लेफ्ट। यूट्यूब वाले आप लोग भी आंसर करो, ठीक है? ओके सो देख लेते हैं। यस अरुण यू आर राइट, अलोंग द कोस्ट ऑफ यू नो गुजरात, कोरल रीफ एस्टिमेशन, ठीक, रिस्टोरेशन, सॉरी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? आप यहाँ पे सोलर पैनल से एनर्जी लगा के, ठीक है, आपके यहाँ पे एनोड एंड कैथोड होता है, इधर एनोड है, ठीक है, इधर कैथोड है। सो दिस इज हाउ आप एनोड से यहाँ पे चार्ज पास करते हैं और इसमें जो है आपके ब्रोकन कोरल्स वगैरह को लगा देते हैं, एंड दिस इज हाउ ये जो ओशन वाटर में जो आपके डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपको कोरल्स पता ही है ना, ठीक है? सो आपको पता है कि दे मेक द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, है ना, जिसमें आपके जू जैंथली आके रहती हैं, ठीक है? एंड दी जू जैंथली दे डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे इनको खाना मिलता है, ठीक है? दे गिव द फूड टू देम एंड दे गिव शेल्टर टू देम, ठीक है? सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, या म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है? सो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ जूसएंथलीज बेसिकली एल्गी, ठीक है, तो इसके डिफरेंट कलर्स की वजह से ये कोरल्स में जो है डिफरेंट कलर्स रहता है, ठीक है? सो इनको ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज ये कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होकर इसके ऊपर ऊपर चिपकता जाता है, ये ब्रोकन कोरल्स के ऊपर, तो दैट हेल्प्स इन रिस्टोरेशन ऑफ द कोरल्स, ठीक है? सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन, ठीक है? सो दिस इज नोन एज बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो याद रखेंगे दिस बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू योर कोरल रीफ रिस्टोरेशन, एंड वी आर नॉट द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है? यस चलिए संतोष, दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ना अनअकैडमी ऐप पे आके क्लास को मींस अटेंड कीजिए, तो आप लोग पोल पे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको आंसर्स दिखेंगे भी नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो दिस इज सपोज टू बी क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक फिर क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया होगा। मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द आइडियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, ठीक है? यस yes.
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, आपने गलत क्लिक कर दिया क्या श्रीकांत? नाइस क्वेश्चन कौशल, थैंक यू सो मच। ओके, ध्यान से किया करो यार, इसलिए मैं भी तो पढ़ती हूँ ना थोड़ा सा ध्यान से, कि कहीं मैं ही गलत टिक ना कर दूँ। ठीक है, हाँ हो जाता है कभी कभी, मैं भी कभी कभी जल्दी में कर देती हूँ गलत। ठीक है, दैट हैपेंस, इट्स ओके, एग्जाम में मत करके आना बस। सुजीत तुमने भी गलत किया है क्या? ओके चलो, देखो कोल्ड करंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम है ना? आपको पता है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ में मिलता है, ठीक है? इट इज अ फीचर ऑफ योर ट्रॉपिकल वाटर्स, है ना? ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलता है, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? सेकेंड, कोई बात नहीं, अगले वाला। शैलो वाटर विथ फेयर सनलाइट, आपको पता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस करना है ना? सो फोटोसिंथेसिस, यस, मोस्ट ऑफ यू आर लाइक राइट, यू नो सी इज द राइट आंसर, ठीक है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है? फोटोसिंथेसिस करना है तो आपको शैलो वाटर ही करना पड़ेगा, ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो सनलाइट पेनेट्रेट नहीं होगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द सी, ठीक है, दिस इज योर वाटर, ठीक है, अगर सनलाइट यहाँ पे है, ठीक है, दिस पेनेट्रेट्स अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, ज्यादा डेप्थ पे जो है सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो वहां फोटो, यस, फोटिक जोन बोल दीजिए, तो फोटिक जोन में ही होगा, ठीक है? क्लियर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इज डिजास्टर फॉर कोरल्स, ठीक है? ना तो उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ना तो हाईली सेलाइन वाटर चाहिए होता है, ठीक है? तो मीडियम लेवल का सेलाइन वाटर चाहिए होता है, यस, सो नॉट ब्रैकिश बट सेलाइन, या, ठीक है? सो दैट इज हाउ दिस इज, ठीक है? या चलिए, ओके, सो सॉरी दिस इज रॉन्ग, सो योर राइट आंसर इज टू, ठीक है? सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए, ये आइडियल को यू नो कंडीशंस फॉर द ग्रोथ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सो आई हैव रिटन दिस, ठीक है? दिस इज प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, 41%, यस, दे आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस, यस यू आर राइट। ओके सो एक्चुअली इट इज ऑल ऑफ द अबव, सब मिलके कर रहे हैं इसको, ठीक है? इट इज नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात फॉरेस्ट, सारे मिलके कर रहे हैं, ठीक है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है संदेश? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस नितिश, यू आर राइट, इट इज डी, एस्ट्रो पॉइंट एंड नीलम कलिता, यू नीड टू चेक दिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द हॉटस्पॉट ऑफ लोकस्ट अटैक बाय फाओ? ठीक है, ठीक है, ओके, सो अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज आंसर इन द पोल्स, आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? व्हाट डू यू मीन इन द सेंस ऑफ मोस्ट स्टेबल? ठीक है, अब तक तो ओशन वाटर ही था, ठीक है, लेकिन वी हैव हैम्पर्ड दैट ऑल्सो, ठीक है? यस रिशु, यू आर राइट, सो माई स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग दिस, ठीक है? आई हैव शोन देम, ठीक है?
चलिए, यस, मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस लोकस्ट अटैक. ठीक है, फाओ ने ये तीनों हॉटस्पॉट बोला है. ठीक है, एक अफ्रीका है आपका, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, एंड ये साउथ ईस्ट एशिया है. ठीक है, साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया. ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईस्ट को याद रखेंगे. और इंडिया में जो है ये, दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन राजस्थान एंड गुजरात, बट नाउ वी हैव सीन दैट इट इज स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑल्सो. ठीक है, इसके तीन ब्रीडिंग सीजन होते हैं, याद रखना. वन इज समर ब्रीडिंग, ठीक है, वन इज स्प्रिंग ब्रीडिंग, ठीक है, एंड अनदर इज विंटर ब्रीडिंग. याद रखना, इंडिया में देर इज ओनली समर ब्रीडिंग. ठीक है, ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग ब्रीडिंग है. यहाँ पे ये जो वाला पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, स्प्रिंग ब्रीडिंग प्लस समर ब्रीडिंग है. ठीक है, एंड बट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट यहाँ पे जो है आपका समर ब्रीडिंग भी है, ठीक है, स्प्रिंग ब्रीडिंग भी है, एंड विंटर ब्रीडिंग भी है. ठीक है, तो याद रखना है इसको. सो आई थिंक दिस मैप विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग दिस थिंग वेरी नाइसली. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मैप, तो इसको ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, हाय एवरीवन, दोस्त हुआ ज्वाइनिंग, यू गाइस आर वेरी लेट, 10 बजे शुरू होता है. ठीक है, गौतम, इसका तो मैं क्या ही क्वेश्चन दू. दे हैव एनॉर्मस कैपेसिटी. एक तो स्वॉर्म्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, स्पीड इतनी ज्यादा होती है. ठीक है, सो व्हाट टू से. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं. एंड दे डिवाइड वेरी फास्ट, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मतलब जो है इनका ये डिवोरिंग कैपेसिटी इज वेरी ह्यूज. ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिसेंटली 8th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल सी ट्रीटी वॉज हेल्ड एट फाओ हेडक्वार्टर्स इन रोम. द गवर्निंग बॉडी सेशंस आर हेल्ड बाई एनियल. यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएटली. Your time starts now. अलका सिंह, द टाइम ऑफ द क्लास इज 10 PM. ठीक है, ये एमसीक्यू सेशन है. ठीक है, एंड इफ यू आर लाइक 9 PM पे भी क्लास रहता है यूट्यूब पे. ठीक है, YouTube पे करंट अन अकेडमी करंट अफेयर्स जो चैनल है, अन अकेडमी करंट अफेयर्स वाला चैनल, उस पे रहता है. ठीक है, आई शेयर द लीडर बोर्ड. यस, सो यू गाइस कैन ऑल्सो YouTube वाले आप लोग भी बता सकते हो. ठीक है, इट इज डेली एवरी डे. ठीक है, एंड इफ यू आर प्लस मेंबर देन 2 से 4 बजे क्लास रहती है, एंड दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड कोर्स. तो आप लोग जो भी प्लस मेंबर है, डोंट मिस माय क्लासेस, आप 2 बजे आया कीजिए. ठीक है, सो एनी प्लस मेंबर्स हियर? ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सर्वर कौशल, अरुण, वेणुगोपाल, सुजीत प्रकाश. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर विनर बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव गॉट 12 out of 21 करेक्ट. ठीक है, एंड सात्विक, ढिंगरा, प्रदीप, प्रतीक, एवरीवन, ठीक है, यू हैव डन वेरी नाइसली. ओके, फर्स्ट डे और 8th पोजीशन. चलिए, नाइस. ओके, पीडीएफ आई शेयर ऑन द टेलीग्राम. ठीक है, ओके, आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा शायद. इसको स्किप कर देते हैं, आई विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन. या अटेंड करना है, अब कर ही दो. चलो, इसको भी कर ही दो. दिस इज वन मोर क्वेश्चन. वो काउंटिंग एरर हो गया ना, तो इसलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सतपाल अभी खत्म कहाँ हुआ है? आंसर करो. टुमोरो मैं बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड श्रीकांत, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये आंसर का पोल कर लीजिए एंड देन विल डू इट. हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है. ओके, सो आई थिंक इट इज येट अनचेंज. ठीक है, सो अभी भी वही स्टेटस है. तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स. जो टॉप पे है वो टॉप पे रहने की कोशिश कीजिए, जो नीचे है वो. ठीक है, सो पढ़ लेना. ठीक है, तो प्लस कोर्स का टाइमिंग, ठीक है, 2 से 4 बजे है. सो यस, हाँ, ओके,
एंड फ्री क्लासेस, एक तो ये 10 से 10:30 बजे रहेगा, ठीक है। आज कल क्लास मिस हो गई थी, इस वजह आज 1 घंटे का क्लास था, अदरवाइज दिस वुड बी 30 मिनट्स सेशन एवरी डे, ठीक है, संडे को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट संडे, मंडे टू सैटरडे है ये, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे 10:30, 10 to 10:30, 10 MCQs, ठीक है। एंड 9 बजे रहता है अन अकेडमी करंट अफेयर्स वाले चैनल पे, यूट्यूब है ये, ठीक है। सो यू कैन अटेंड देयर, डेली हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आंसर बता तो दी, अच्छा 1, 2, 3, 4 है, यूरेनियम नहीं होगा, ठीक है। सो सी इज द आंसर, ठीक है। यू आर वेलकम प्रदीप। सो आई होप टू सी यू ऑल टुमोरो एट 9:10 PM, ठीक है। और दोज हु आर प्लस मेंबर्स, थैंक यू श्रीकांत। कोई है प्लस मेंबर्स आप में से? सो यू कैन ज्वाइन एट 2 PM, 2 to 4 PM क्लास रहता है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, वी आर डिस्कसिंग, यू नो, आप सोचो, हाँ, तो थ्योरी हमारा और भी कंटेंट काफी रिच रहता है, ठीक है। अदरवाइज आप एटलीस्ट 9 PM वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री, ठीक है, दैट इज ऑन यूट्यूब, ठीक है। एंड इफ एनी ऑफ यू आर यू नो थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग प्लस मेंबरशिप, सो यू कैन यूज माई कोड PRIYA10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, इफ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन द अन अकेडमी, ज्वाइन माई, आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं आता, इट्स ओके, यू नो, आईजे, आपको पता ही है ना 9 PM है, ठीक है, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आपको पता है 9 PM क्लास है, ठीक है, दैट वुड बी विदाउट अ मिस, ठीक है। और ये 10 बजे वाली आपको पता ही है ना, ठीक है, नोटिफिकेशन का क्यों वेट करना है, आपको खुद को पता है जब, ठीक है। सो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, चलिए। एंड दोज हु हैव नॉट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन देयर, आई विल शेयर द PDFs देयर, ठीक है। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, प्रियाश्री UPSC। चलो, सी यू गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल।